हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में मेरे वीडियो शेयर करना भूलिएगा नहीं। और आपको अगर मेरी रेसिपी बहुत 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 पसंद आती है तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट भी शेयर करते रहिए। आज की रेसिपी है श्रीखंड। श्रीखंड हमेशा गर्मियों में बनाया जाता है क्योंकि गर्मियों में जब भी त्योहार आता है तभी स्वीट बनाने की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती ही है। दूध की स्वीट जल्दी बिगड़ जाएगी गर्मियों में, इसीलिए हम आज बनाते हैं श्रीखंड। एकदम ही बाजार जैसा ठंडा और मजेदार श्रीखंड आज हम घर पे बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें श्रीखंड के लिए चक्का बनाना पड़ता है। तो नॉर्मल फुल फैट मिल्क से दूध हम जमा देंगे जिससे दही बना लेंगे और दही के बाद चक्का बनाएंगे। तो चक्का जो बनाना है वो हमें ऐसे बनाना है। सबसे पहले हम एक जाली वाली जो हमारा वॉशिंग कर सकते हैं ऐसी जो भी जाली वाली सिस्टम है वो हम लेंगे। उसके अंदर एक कपड़ा बिछा के उसके अंदर दही को ऐड कर देंगे। दही को हम बाहर लटका के नहीं रखेंगे। बाहर लटकाना होता है, उसमें से पानी को है वो निकालना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर गर्मियों के सीजन में हमने दही को बाहर छोड़ दिया तो वो बहुत ही खट्टा हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले कपड़ा बिछाया, कपड़े के अंदर सारा दही ऐड कर दिया और उसे बस कवर करके एक ढक्कन से ढक देंगे। ढकने के बाद नीचे हम पतीला रखेंगे जिसके अंदर पानी सारा ड्रेन हो जाए और ऊपर एक हल्का सा वजन रखना है। मैंने छोटी सी कटोरी के अंदर पानी भर के रख दिया था, तो ये हल्का वजन, मुझे बहुत भारी वजन नहीं रखना है, हल्का सा वजन, ताकि उसके अंदर जो एक्सेस पानी है वो निकल जाना चाहिए। एकदम ड्राई चक्का भी हमें श्रीखंड के लिए नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये अराउंड मैंने 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखा और उसके बाद हमारा चक्का जो है वो रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो हमारा दही है उसमें से पानी जो है वो निकल गया है। तो ये हमारा चक्का रेडी है। ये मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क को दही जमाया था और उसके बाद इसे 4 से 5 घंटे ऐसे ही लगा के रखा था फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, अभी हम कपड़े में से निकाल लेंगे ये दही को। और इसे अभी हमें मिक्स करना है, लेकिन हम साथ में शुगर भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, जो शुगर हमें चक्के के अंदर दही के अंदर मिक्स करनी है उसे ले लेते हैं। अराउंड 200 ग्राम जितनी शुगर हमें लगेगी। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। 200 ग्राम जितनी शुगर मैंने मिक्सर जार में ले ली है। उसी के साथ मैं ऐड कर देती हूँ केसर। केसर को हम शुगर के साथ ही पाउडर कर देंगे ताकि उसका कलर जो है और उसके जो रेसे है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए और बहुत ही अच्छे से कलर दे हमें। ये है नगमेंट पाउडर और इलायची पाउडर, दोनों मिक्स किया हुआ है मैंने। तो ये मैंने आधा चम्मच जितना लिया है। तो हमारा जायफल और इलायची पाउडर भी हम साथ ही में मिक्स कर देंगे और अभी इसे पाउडर करना है। तो फ्रेंड्स, हमने शुगर को जो है वो अच्छे से पीस लिया है और उसके साथ केसर और जो हमारा इलायची और जायफल का पाउडर है वो भी अच्छे से पीस गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अभी ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं हम शुगर
थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 1 लीटर दूध में से अराउंड हमारा चक्का जो है वो 800 ग्राम या 700 750 ग्राम जितना बन के तैयार होता है, ताकि जो पानी है वो भी निकल जाएगा इसीलिए। तो उसके अंदर मैंने 200 ग्राम शुगर ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जितनी शुगर मैंने डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो गई है और आप देख सकते हो हल्का सा येलो कलर जो केसर का है वो भी मस्त आया हुआ है। हम साथ ही में ग्राइंड करते हैं, उसकी वजह से जो उसके रेसे हैं, केसर के जो रेसे हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे और अच्छे से घुल जाएंगे इसके अंदर, श्रीखंड के अंदर, इसीलिए बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर आ जाएगा हमारे श्रीखंड में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा श्रीखंड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसे अच्छे से फेंटना है 3 से 4 मिनट तक, और फेंटने के बाद हल्का सा ये लिक्विड ही होगा बिकॉज हमने शुगर जो डाली है उसका पानी होगा, लेकिन ये इतना भी लिक्विड ही नहीं होगा कि हमारा जो दही है वो लस्सी हो जाए, बिकॉज इसके अंदर से हमने पूरा जो पानी है वो अच्छे से निकाला है। अगर दही के अंदर से पानी अच्छे से नहीं निकला और आपने श्रीखंड बनाया तो ये बहुत ही लिक्विडी स्लरी हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारा श्रीखंड जो है वो इतना स्लरी नहीं हुआ है, इतना लिक्विडी नहीं हुआ है, बिल्कुल बाहर जैसा श्रीखंड हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स, बस ये श्रीखंड रेडी है। इसके अंदर आप मन चाहे ड्राई फ्रूट, मैंने काजू, बादाम और किशमिश ऐड किया है, आप साथ ही में फ्रूट जेली कुछ भी ऐड कर सकते हो और सर्व कर सकते हो। बस अभी इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे वापिस हम चिल होने के लिए रख देंगे। श्रीखंड हमारा जितना चिल्ड होगा अराउंड 1 घंटे के लिए हमें वापस इसे चिल्ड होने के लिए रखना है, और चिल्ड होने के बाद वापस ये इतना ही थिक हो जाएगा और एकदम ही टेस्टी बन जाएगा फ्रेंड श्रीखंड। तो ये रेडी हो गया है हमारा श्रीखंड। तो फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद ये श्रीखंड हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। ऊपर से थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट मैंने गार्निशिंग के लिए लगा के रखे हैं और बहुत ही मजा आएगा जब भी आप इसे पूरी के साथ या तो फिर गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। देखते रहिए मेरा चैनल द पीस रेसिपी।